दिल्ली सरकार द्वारा बिना राशन कार्ड वाले लोगों को विभिन्न इलाकों के स्कूल में सेंटर बनाकर राशन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में संगम पार्क वार्ड के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी राशन का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी से संगम पार्क वार्ड अध्यक्ष हरीश पवार लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। आपको बता दें, जब से इस प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ है तब से हरीश पवार निरंतर यहां अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय विधायक की तारीफ करते हुए इस योजना के लाभ के बारे में भी जानकारी दी। वहीं इसके अलावा आज स्कूल परिसर में ही एक दिवसीय वैक्सीन कैंप का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल से भी हमने बात की। आइए उन्हीं से जानते हैं स्कूल में दिए जाने वाले राशन के बारे में कि किस तरह से यहां पर इस वितरण का काम चल रहा है। मैं एसकेबी राणा प्रतापबाग से, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम खट्टर। मैम, स्कूल में बिना राशन कार्ड वालों के लिए शिविर लगा हुआ है दिल्ली सरकार का राशन दिए जाने का, तो किस तरह से प्रक्रिया चल रही है और किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे यहाँ 5 तारीख से राशन वितरण चल रहा है और राशन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और लगातार 300 के आसपास लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनका यहाँ पर पहले पंजीकरण होता है, अपना आधार कार्ड लेकर के आते हैं, फिर सुचारू रूप से बहुत ही नियमों का पालन करते हुए कोविड के उनको राशन बांटा जा रहा है। स्कूल परिसर में हमारा एक दिन का ये कैंप लगाया है आज और लगभग 50 लोगों ने आज पंजीकरण कराया, 40 प्लस वालों को, और उनको सुचारू रूप से इंजेक्शन लग रहे हैं और उनके साथ साथ उनकी एक मोबाइल वैन भी है जो एक हॉस्पिटल से एडजस्ट किया हुआ है, उनको किसी भी अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो पेशेंट को लेकर के उसी समय वहाँ पहुँचते हैं। दिल्ली सरकार का ये बहुत ही बढ़िया कदम हमारे स्कूल में सुचारू रूप से चल रहा है। ये दिल्ली सरकार का है और दिल्ली सरकार जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं है या राशन कार्ड जिनके नहीं है उन लोगों के लिए ये आधार कार्ड के आधार पर ये राशन मिल रहा है। हमारे आदरणीय माडाटाँव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अखिलेश त्रिपाठी जी की माध्यम से यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है और प्रत्येक दिन काफ़ी संख्या में गरीब हमारे लोग यहाँ पे राशन का, दिल्ली सरकार का राशन का लाभ उठा रहे हैं यहाँ पर। और इस जी किस कॉलोनी, किन किन कॉलोनी में लगे हुए हैं ये जो राशन वितरण का केंद्र है, किन किन कॉलोनी में और किस किस जगह पर है? सर, ये जो है हमारे पूरे माडाटाँव जो विधानसभा है, इस पूरे माडाटाँव विधानसभा केवल 3 बने हुए हैं। एक हमारे वार्ड नंबर 76 संगम पार्क, जहाँ का मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, वहाँ पर इस स्कूल में हमारे जो सर्वोदय कन्या विद्यालय राणा प्रताप बाग में लगा हुआ है और दूसरे कल्याण विहार स्कूल के अंदर हमारे वार्ड नंबर 77 का राशन केंद्र लगा है। और आपके एक है स्कूल वार्ड नंबर हमारा 78 कमला नगर, जो कि आपके शक्ति नगर नंबर 1 स्कूल में लगा हुआ है, जहाँ पे इसी तरह से वितरण हो रहा है। छोटे धूप होती है और हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाते उनको कहते हैं कि भाई आप डिस्टेंसिंग से खड़े होइए, तो कई बार छाया नहीं होती तो कई बार गुस्से भी हो जाते हैं लोग, पैदिक हो जाते हैं, तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप नाराज़ होंगे तो कोई बात नहीं सर, माथे हमारे, हम आपको राशन जरूर होगा, गरीब को राशन जरूर मिलेगा।